कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित, और इस वीडियो में आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि क्या हम शुरू करने वाले हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। त्रिकोणमिति, अब यहाँ पर समझिएगा त्रिकोणमिति है क्या। यहाँ पर आप डायरेक्ट चैप्टर में आ सकते हैं, और डायरेक्ट चैप्टर में 8.1 है। 8.1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 11 है, तो कुछ हम बेसिक से समझेंगे तब चैप्टर में आएंगे, और आपको 100% हम गारंटी लेते हैं कि सारा का सारा चीज़ आप ऐसे समझेंगे कि कभी जीवन में नहीं भूलिएगा, ट्रिक के साथ बताएंगे, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें हम लिख लिए हैं ताकि आपका कम समय में आपको अधिक बता सकें, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। इसमें तीन कोणों के माप के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में नॉर्मल चीज़ हम जानते हैं, आगे विस्तार से जानेंगे। या ये जो है एक आधार होता है, एक लंब होता है, और एक कर्ण होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। संकेत जान लीजिए क्योंकि इसमें पूरा संकेत का ही प्रयोग होता है। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको पी से सूचित करते हैं लंब को। आधार को बोलते हैं इंग्लिश में बेस, इसको बी से सूचित करते हैं। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज इसको एच से डिनोट करते हैं। लंब को पी से, आधार को बी से, कर्ण को एच से, समझिए। इसमें हम मेन रूप से पाइथागोरस सूत्र का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस महोदय के सूत्र दिए थे आप ज्यामिति में, इसको प्रूव्ड करना सीखिएगा, आएगी वीडियो तो हम बताएंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण जो होता है, आप लोग महाभारत देखे होइएगा, कर्ण सबसे बड़ा भाई होता है, और कर्ण जो होता है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर यही मेन सूत्र है, और कोनों चीज़ तीनों में से कोनों चीज़ निकालने के लिए हमें यही सूत्र लगाना पड़ेगा। चलिए, अगर आपको मेन सूत्र से अलावा और सूत्र चाहिए तो हम तीनों निकाल दिए। लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और आपको संकेत बताए थे, लंब को पी, आधार को बी, और कर्ण को एच से डिनोट करते हैं। पाइथागोरस सूत्र जाने, चैप्टर में बहुत जल्दी प्रवेश करेंगे, पहले तो बेसिक समझते हैं। देखिए, साइन मुख्य रूप से त्रिकोणमिति अनुपात तीन होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कितनी होती है, तीन। कौन कौन? साइन, कॉस और टेन। इसमें हम थीटा लगाते हैं, यहाँ हमेशा कोण के साथ रहता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसका सूत्र क्या होता है, यही तीन सूत्र याद कर लीजिएगा, तो ये तीन के बाद छः होगा, और इसी से एक 8.1 पूरा सॉल्व होगा। इसको याद करने का हम आपको दो ट्रिक बताएंगे। अब दोनों ट्रिक अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद रहेगा दोनों में से एक तो पक्का याद होगा। देखिए, पहला ट्रिक है एल ए एल, लाल बटा कक्का, के ए। अब लाल बटा कक्का, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है एल से लंब और ए से आधार, मतलब लंब बटा आधार। बताइए, आपको याद करना पड़ेगा, लाल बटे कक्का पड़ते हैं। या इस ट्रिक से ना ही, तो अगला ट्रिक जो है आपके लिए, अगला ट्रिक आप ऐसे बोल सकते हैं, पाकिस्तान, इंग्लिश में लिख देते हैं पाक, बटे हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा। अब ये कैसे, देखिए, पाकिस्तान का पी, हिंदुस्तान का एच, पी बटे एच, और पी बोलते हैं लंब को, एच बोलते हैं कर्ण को, तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा। भूखा का बी, हरा का एच, बी बटे एच, बी बोलते हैं आधार को, एच बोलते हैं कर्ण को। प्यासा का पी और भरा का बी, पी बटा बी बोलते हैं लंब बटे आधार को। तो दोनों ट्रिक में जो आपको बेहतर लगे उससे याद रखिए। मुख्य रूप से तीन होते हैं, और इसी तीन का उल्टा बढ़ जाता है। टेन, टेन का विपरीत हो जाएगा कॉट थीटा, विपरीत मतलब उल्टा। टेन का लंब बटे आधार होता है, तो कॉट का आधार बटे लंब होगा, क्या होगा, आधार बटे लंब। चलिए, उसके बाद कॉट थीटा के बाद कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा। कॉस थीटा का है आधार बटे कर्ण, तो सेक का इसका उल्टा होगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। यहाँ पर आपको एक भी सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है। साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा साइन का लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो ये पांच आपने जाना, इसी पांच से 8.1 पूरा ख़त्म होगा।
अब थोड़ा सा और बेसिक बचा हुआ है वो आपको हम समझा देते हैं। जैसे कि ये एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी। एक कोण समकोण हमेशा यहीं पर बनेगा, या अगर आपको त्रिभुज को ऐसे बनाते हैं आप पर डिपेंड करता है। अगर ऐसे बनाते हैं, नाम रखेंगे ए बी सी, तो फिर भी समकोण बी पर ही बना यहीं पर। अब यहाँ पर अगर आपको बताया जाए कि कोण ए पर बन रहा है, आपको सवाल में बोला जाए कि कोण ए पर बन रहा है तो कोण ए पर बनेगा, तो आधार कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। आधार ए बी, कर्ण हमेशा ए सी ही रहेगा, बड़ी भुजा हमेशा कर्ण बदलता नहीं है, और लंब हो जाएगा बी सी। लेकिन आपको बोला जाए कि कोण सी पर बन रहा है, तब आधार बी सी, जहाँ पर कोण बनेगा वही आधार होगा बी सी, और इसके लिए लंब ये हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए हमें चैप्टर में आना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं चैप्टर में। क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कोमा कॉस ए, फिर साइन सी और कॉस सी। अब यहाँ पर क्या है इसका मतलब, सवाल को लिखते हैं तब समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी बोला और दिया नहीं गया है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ए बी सी बोला तो हम बना लेंगे त्रिभुज। त्रिभुज बना लिए ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बना लिए, कोण बी समकोण बोला, लिख दिए। ठीक है, अब आपको फिर से दिखाते हैं क्या बोला, कोण बी समकोण, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी को समकोण किए, ए बी 24 बोला तो 24 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका दूसरा बोला ए बी 24, अब बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। अब कोई नहीं बोल रहा है निम्नलिखित का मान याद कीजिए, और एक नंबर में दिया है साइन ए और कॉस ए, साइन ए कोमा कॉस ए, और दो नंबर में यही सवाल दिया गया है साइन सी कोमा कॉस सी। ठीक है, अब ये दो सवाल है, अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये दिया है ए सी बचा हुआ, ए सी सबसे बड़ी भुजा है जिसको कर्ण बोलते हैं, तो पहले वो ज्ञात कर लेते हैं। ए सी को बोलते हैं कर्ण, और कर्ण स्क्वायर बराबर आपको सूत्र बताए थे, आप याद कीजिए क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बताइए, कर्ण ए सी है तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब ए बी है, ए बी का स्क्वायर, अभी इसमें कोण कहाँ बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं, पहले निकाल लेते हैं, आधार बी सी है तो बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी, ए बी 24 सेंटीमीटर है, ऐसे आपको एग्जाम में बनाना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, प्लस बी सी, बी सी 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर 24 को स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर करेंगे 576 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, प्लस 7 का हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट जाएगा, ए सी बराबर रूट अंडर, ये दोनों जुट रहा है जोड़ देंगे, 9, 6, 15, 7, 4, 11, 1, 12, 2, 1, 5, 6, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए तुरंत बनेगा, साइन ए बोला, साइन ए आपको पता है साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब अब बटे कर्ण, आपको सूत्र ये सूत्र ध्यान रखना, तो लंब। अब यहाँ पर आपका बात आता है कि लंब कौन सा होगा इसमें और कर्ण कौन सा होगा, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा ही होगा, 25 ही होगा, ठीक है, तो हम 25 बट्टा में लिख दें, लेकिन लंब दोनों में से कौन सा होगा, तो यहाँ पर बोल रहा है साइन ए, मतलब कोण जो है ए पर बन रहा है, तो ए पर बन रहा है तो ये ए बी हो जाएगा आधार, ये आधार हुआ तो आधार के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, ये भुजा हो गया लंब, मतलब 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बट्टा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कटा बराबर 7/25, ये साइन ए बराबर। कॉस ए पूछा, कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, अब आधार बटा कर्ण होता है तो आधार इसमें से कौन होगा, ए बोला तो ए बोला तो कौन ए पर बनेगा, मतलब ए बी आधार हो गया, ए बी, और कर्ण हमेशा ए सी ही उधर का ही रहता है तो ए सी, इसको लिख देंगे ए बी 24 है 24 सेंटीमीटर, और कर्ण 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा 24/25। एक का दोनों सवाल सॉल्व हुआ, दूसरा है साइन सी, साइन सी
अब यहाँ साइन थीटा का सूत्र तो यहाँ भी आप देखिए लंब बटा कर्ण ही होता है। देखिए लंब बटा कर्ण हुआ, लेकिन साइन सी बोला तो सी बोला तो अब कोण यहाँ बन रहा है। देखिए सवाल में जो बोला वही समझिए, सी बोला तो कोण सी पर बन रहा है, तो आधार बी सी हो गया, और आधार बी सी हुआ तो लंब कौन सा होगा, ए बी, मतलब ए बी बटा कर्ण ए सी। ए बी कितना है 24 और कर्ण कितना है ए सी 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया 24/25 आंसर। कॉस सी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार कॉस सी मतलब कोण सी पर बना तो आधार हो जाएगा बी सी, आधार बी सी होगा, कर्ण तो ए सी ही है ए सी, तो बी सी 7 सेंटीमीटर, ए सी 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया 7/25 आंसर। देख लिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए दूसरा सवाल क्या बोलता है उसको देखते हैं। दूसरा सवाल है आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति है, इसमें टेन पी और कॉट आर का मान ज्ञात करना है। चलिए सवाल नंबर दूसरा जो है, चित्र पहले है तो हम चित्र पहले आपके सामने हम चित्र बना लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें नाम है पी क्यू आर, तो इसको नाम हम पी क्यू आर रख देंगे। 4 बजे पी क्यू आर, क्यू समकोण, ठीक है। यहाँ पर पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया गया है, उसके बाद पी आर 13 सेंटीमीटर दिया है, क्यू आर नहीं दिया गया है, और क्वेश्चन आपसे पूछा है टेन पी माइनस कॉट आर। चलिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्यू आर नहीं दिया हुआ, ये कर्ण हुआ ये लंब हुआ, क्यू आर आधार है, तो क्यू आर दिया नहीं गया है तो इसको आधार स्क्वायर बराबर सूत्र लगा दीजिए। अगर आपके पास ये फॉर्मूला नहीं, अभी तो आपको बताए थे, नहीं है तो आप कर्ण स्क्वायर बराबर लगा सकते हैं। तो आधार स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार है क्यू आर तो क्यू आर स्क्वायर बराबर कर्ण है पी आर, पी आर आराम से समझिएगा तो सब समझ में आएगा, लंब है पी क्यू तो पी क्यू का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर, पी आर 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस पी क्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट जाएगा, क्यू आर बराबर रूट अंडर 169 में 144 घटा देंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका वर्गमूल आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर वर्गमूल आएगा, क्यू आर 5 आ गया। अब जो सवाल है उसको लिख लेते हैं, टेन पी माइनस कॉट आर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार माइनस, लेकिन कॉट थीटा बराबर होता है आधार, टेन का उल्टा होता है आधार बटे लंब। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है, लंब टेन पी है, पी है मतलब कोण यहाँ पर पी पर बन रहा है, तो पी पर कोण बन रहा है तो पी क्यू आधार हो गया, जहाँ पर कोण बनता है वो क्या होता है आधार, इससे जो लंब खींचा गया है ये क्यू आर हो गया लंब, तो क्यू आर लंब हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे क्यू आर लंब बटे आधार, कोण पी पर बना हुआ तो पी क्यू आधार है तो बटे पी क्यू माइनस आधार बटे लंब, लेकिन यहाँ पर कॉट आर है, आर है मतलब कोण आर पर बन रहा है, तो ये क्यू आर हो गया आधार, क्योंकि आर पर कोण बन रहा है तो क्यू आर बटा आधार क्यू आर हुआ तो लंब पी क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू यहीं से आपको 0 दिख रहा है, अभी क्यू आर बराबर आपका कितना 5 सेंटीमीटर आया था, लिख दिया। चलिए क्यू आर कितना है, क्यू आर 5 सेंटीमीटर है बटे पी क्यू कितना है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, माइनस का चिन्ह है माइनस, क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर है बटे पी क्यू कितना है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, ठीक है घट रहा है देख रहे हैं, अब सेंटीमीटर 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 कटा, 12 का लघुत्तम 12, 12 कम 12 5 माइनस 12 कम 12 5, 5 में से 5 गया 0/12, 0 में 12 से भाग देंगे 0, यही आंसर।
चलिए स्क्रीनशॉट आप करना चाहे तो कर सकते हैं। दूसरा सवाल, चलते हैं तीसरा सवाल पर। तीन नंबर का सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान पर क्लिक कीजिए। इसमें आप चित्र नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों कोण ए पर ही बन रहा है, लेकिन हमें हर स्थिति में चित्र बनाना है। तो पहले हम एक चित्र बनाएंगे। ए है तो ए बी सी ही नाम देंगे, ए बी सी कोण बी समकोण। तीन नंबर साइन ए, ए बराबर 3/4 पूछ रहा है कॉस ए और टेन ए पूछ रहा है। अब साइन ए दिया गया है, देखिए अब इसको कैसे ज्ञात करें। साइन ए दिया गया है, जो दिया गया है उसी को लिखेंगे। साइन ए बराबर 3/4। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। बताइए कौन ए पर बन रहा है, ठीक है, कौन ए पर बन रहा है। जब कौन ए पर बन रहा है तब ए बी आधार हो जाएगा और बी सी लंब हो जाएगा, मतलब बी सी बटा कर्ण ए सी। अब बी सी तीन है ना, बी सी के सामने बी सी बराबर 3 और ए सी के सामने 4 है, तो ए सी बराबर, ए सी बराबर 4, बी सी बराबर 3। ए बी निकाल लेंगे, तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी लंब हो गया, ठीक है, या आप कर्ण का ही सूत्र लगा सकते हैं। तो लंब, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण 4 है और माइनस आधार 3 है, तो लंब स्क्वायर बराबर 4 × 16 और 3 × 3 = 9। स्क्वायर हटेगा रूट जाएगा, मतलब लंब बराबर 16 में से 7 गया और 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा। लंब कितना आया 7, वो भी रूट के अंदर, ठीक है। अब बोला कॉस ए ज्ञात करने, ज्ञात कर लीजिए कॉस ए, कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, कॉस ए है तो कोण बन रहा है ए पर, कोण ए पर बन रहा है तो ए बी हो जाएगा आधार, मतलब ए बी बटा कर्ण, आपको पता है बड़ी भुजा होती है ए सी, तो ए बी आपका रूट 7 और ए सी हो जाएगा 4। ये पहला कॉस ए का आंसर। फिर टेन ए पूछा, टेन ए, टेन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बटा आधार, ठीक है, अब कोण ए पर बन रहा है ए पर, तो आधार हुआ ए बी, ए बी आधार क्या होगा ए बी, आधार ए बी हुआ तो लंब बी सी, बी सी, बी सी 3 और ए बी कितना है √7। ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका तीसरा सवाल सॉल्व, ठीक है। चलिए चौथा सवाल सॉल्व करते हैं। चौथा सवाल है, 15 cot A = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 15 cot A = 8 दिया गया है, हम एक समकोण त्रिभुज हर स्थिति में बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी सी, ये कौन बी समकोण है, ठीक है। अब इस सवाल को लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, 15 cot A = 8। ये 15 × में है cot A का, तो cot A बराबर 8, ये 15 × में है तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार, अब A पर कोण बन रहा है तो आधार हो गया AB, मतलब AB बटे लंब हो जाएगा बी सी, ठीक है। अब बताइए 8/15 दिया गया है, तो ए बी के बराबर में 8 है, ये तो ए बी बराबर हो गया 8, और बी सी के बराबर में 15 है, तो बी सी बराबर 15, ए बी 8 है, बी सी 15। ए सी को कर्ण बोलते हैं, कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण ए सी है, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब, ए बी का स्क्वायर आधार, बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर,
ए बी 8, बी सी 15, ए सी का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225। अब दोनों को जोड़ देंगे, ए सी स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा इससे, 5 4 9 और 2 6 8 और यहाँ पर 289 का वर्गमूल 17 आ जाएगा। ए सी कितना आ गया 17। पूछ क्या रहा है, साइन ए, साइन ए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण ए। ये ए है, कोण ए पर बन रहा है, तो ये हो गया ए बी आधार और लंब हो गया 15 बी सी। लंब क्या बन गया, बी सी, बी सी बटा कर्ण ए सी। अब देखिए बी सी 15, ए सी 17, सेक ए, सेक ए बराबर, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण ए सी बटा आधार, कोण ए पर बन रहा है तो आधार तो ए बी ही हुआ, ए बी, ए सी 17 बटा ए बी 8, यही आंसर 4 का कंप्लीट। चलिए 5 नंबर सवाल जो है उसको सॉल्व करते हैं। 5 नंबर बोल क्या रहा है, 5 नंबर सवाल बोल रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। पांच नंबर, यहाँ पर सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। अन्य सभी, अब अन्य सभी बचा क्या है, तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे, वो भी समकोण त्रिभुज, नाम ए बी सी, कोण बी समकोण, ठीक है। सेक थीटा बराबर 13/12 दे दिया है, ठीक है, अन्य सभी। तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार मतलब कर्ण ए सी है, यहाँ पर ए सी, आधार है बी सी, बी सी, ए सी बराबर 13, बी सी बराबर 12, बी सी हो गया 12, ए सी हो गया 13। ए बी निकालना है, ए बी हो गया लंब, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब यहाँ पर ए बी है, ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, ए सी है, ध्यान से समझिएगा, ए सी स्क्वायर माइनस आधार बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी कितना है 13 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है 12 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144, स्क्वायर हटेगा रूट जाएगा उधर, ए बी बराबर रूट अंडर 169 में 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, इसका वर्गमूल 5 आएगा, ये हो गया आपका 5, ठीक है। अब बोला सेक थीटा बराबर इतना है तो अन्य सभी, तो अन्य सभी में आता कौन कौन है, जैसे कि साइन, साइन थीटा लिखते जाते हैं निकालते जाते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण पी बटा एच, लंब 5 है तो 5/13, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोण ए बी सी नहीं दिया है, थीटा दिया है, चित्र नहीं भी बनाते तो भी चलता, ठीक है, हम यहाँ पर कोण दर्शा सकते हैं थीटा, ठीक है, कहीं पर दर्शाएंगे दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये आधार हुआ, ये लंब, लंब 5/13, साइन निकाल लिए। अब कॉस थीटा, सेक छोड़कर बाकी सब निकाल, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना बी सी 12 दिया गया है बराबर 12, कर्ण 13, 12/13। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब कितना 5, आधार 12, ठीक है। टेन के बाद आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार 12, लंब 5, ठीक है। कॉट के बाद आता है सेक, सेक दिया गया है, हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है 13,
लंब है 5, 13/5, तो ये आपका 5 नंबर का सवाल सॉल्व हो। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये प्रूव्ड करना है, इसका आंसर भी आपको किताब में नहीं मिलेगा। अब ये प्रूव्ड करना है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि त्रिकोणमिति में ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलिए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा तो आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया हुआ है। न्यून कोण मतलब 90 से छोटा और 0 से बड़ा। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आपको क्या बोलो, कोण ए और बी न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है, मतलब समकोण कौन सा कोण होगा, तो समकोण हो जाएगा कोण सी। ठीक है, ए और बी क्या है, न्यून कोण है। ए और बी न्यून कोण है, समकोण कौन सा होगा, कोण सी। अब कॉस ए बराबर कॉस बी समझिएगा। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे ऊंचाई, आधार बटे सिसलम होता है ना, आधार बटे वही सिसलम कर्ण। कॉस थीटा बराबर सेम, दोनों कॉस थीटा है तो दोनों में सेम सूत्र होगा, आधार बटे कर्ण, कर्ण को ही सिसलम जो भी आप समझते हैं उसका। अब कॉस ए कोण ए पर बन रहा है, तो आधार हो गया ए सी, ए सी है बटा कर्ण हो गया ए बी। ठीक है, अब कोण बी पर बन रहा है, तो आधार बी सी कर्ण ए बी, ये भी दोनों के बट्टा में है, कट जाएगा, बच गया ए सी बराबर बी सी। ए सी और बी सी ये दोनों बराबर है, तो दो भुजा बराबर होता है तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, चूंकि दो भुजा बराबर है तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा जिसकी दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा काम आ गया, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो बताइए समद्विबाहु त्रिभुज का जो संगत कोण होता है, अब यहाँ पर दोनों बराबर है तो ये जो कोण होगा, ये कोण ए और कोण बी क्या होता है, बराबर होता है, तो कोण ए बराबर कोण बी हो गया पूर्व। ठीक है, चलिए सवाल 7 नंबर का जो बोलता है वो करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा / 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा इसको सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। आप ये जो हम बताएंगे आपको विदाउट सूत्र बताएंगे, अगर सूत्र का यूज़ करेंगे तो इसे दो लाइन में आप बना सकते हैं। तो हम ऐसे विधि से बताएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और आपको ध्यान भी रहे। ठीक है, हमने क्वेश्चन जो है उसको लिख लिया, ध्यान से समझिएगा। अब कॉट थीटा बराबर 7/8 है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, वैसे यहाँ पर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी बना लेते हैं, आप समझिएगा बेहतर से। त्रिभुज का नाम हम ए बी सी रख देते हैं, क्योंकि वार भी रख सकते हैं, क्योंकि कोण थीटा है, कोण बी इसका समकोण, और सी कोण को हम थीटा मान लेते हैं, आपका मन होगा तो ए को भी मान सकते हैं, तो उसके अनुसार बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट का सूत्र होता है आधार, आधार बटे लंब। तो आधार, अब यहाँ पर सी पर कोण बन रहा है तो आधार तो बी सी ही हो जाएगा, बी सी बटे लंब हो जाएगा ए बी, तो बी सी बराबर 7, ए बी बराबर हो जाएगा 8, ए बी 8, बी सी 7, ए सी मतलब कर्ण बचा हुआ है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है, लंब ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बी सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी 8 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब ए सी स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, ए सी बराबर रूट अंडर जोड़ देंगे 9 × 4 = 13 और 6 × 4 = 10 = 11, रूट अंडर 111 आ गया, और इसका वर्गमूल नहीं दिया आ गया। चलिए एक नंबर का सवाल पहले सॉल्व करेंगे, तब दो नंबर का
वैसे पहले कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, वन प्लस साइन थीटा, एग्जाम में ऐसे लिखिएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा। वन माइनस साइन थीटा बट वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा पहले वन है तो वन लिख दिया, प्लस साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कोण यहाँ पर बनेगा तो लंब हो जाएगा ए बी, ए बी, और कर्ण क्या होगा, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है ए सी, ठीक है, इंटू वन माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण मतलब ए बी बटा ए सी, सेम यही हो जाएगा ए सी बटा वन, और प्लस कॉस थीटा का क्या होता है आधार बटा कर्ण, थीटा है यहाँ मतलब आधार यही होगा बी सी, और कर्ण ए सी मतलब बी सी ए बट्टा ए सी, इंटू वन माइनस बी सी बट्टा ए सी, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, वन प्लस तो वन प्लस ए बी, ए बी आठ है और ए सी रूट अंडर 113 है, इंटू वन माइनस ए बी बटा ए सी, ए बी कितना आठ है, ए सी रूट 13, तो आठ बटा रूट अंडर 113, इसके बट्टा में, बट्टा में वन जो जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, प्लस बी सी बटा ए सी, बी सी सात बटा रूट अंडर 113, फिर है वन माइनस बी सी, बी सी सात ए सी बटा वन रूट 113, ठीक है। सब एक के बट्टा में एक हम अपना मन से दे देंगे, आप भी दे दीजिएगा, इनका जोड़ यहाँ पर घटा होगा, यहाँ पर फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए वन और 113, रूट अंडर 113 का लघुत्तम लेंगे तो होगा रूट अंडर 113, पूरा इजी वे से बता रहे हैं, 113 एक से भाग देंगे 113 आएगा, मतलब रूट अंडर 113 इससे भाग देंगे एक आएगा तो प्लस एक, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं तो इसमें आपको आराम से समझना है, एक और 113 का लॉसो लेंगे तो 113 ही आएगा रूट में, एक से भाग देंगे तो वही आएगा 113 माइनस 8, नीचे में भी बस वही होने वाला है, 113 का करेंगे तो रूट अंडर, रूट अंडर 113, रूट अंडर 113, एक से भाग देंगे तो यहाँ पर भी आएगा 113 रूट अंडर प्लस 7, इधर हो जाएगा एक रूट 113 का रूट 113, रूट 113 माइनस में 7 है तो 7, यह मीन का जोड़ यहाँ घटाओ, यहाँ जोड़ यहाँ घटाओ किया और कुछ नहीं किया। अब दोनों को गुना कर देंगे, तो दोनों को गुना करेंगे तो सोचिए रूट अंडर 113 प्लस 8, रूट अंडर 113 माइनस 8 गुना हो जाएगा तो यहाँ पर ऐसी स्थिति आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, रूट 113 प्लस 8 इंटू रूट 113 माइनस 8, ठीक है। अब इसके बट्टा में देखिए, रूट 113 रूट 113 इसके भाग में है ना, रूट 113 रूट 113 भाग का उल्टा गुना कीजिएगा या यहीं पर ऐसे ऐसे कट जाएगा, गुना करके काटिएगा तो भी कटेगा, हम डायरेक्ट काट दिए ताकि आपको ज़्यादा समय व्यस्त नहीं हो, एग्जाम में टाइम मैंने रखता, इसको लिख लेंगे रूट अंडर 113 प्लस 7, इधर भी आएगा रूट अंडर 113 माइनस 7, हो गया। अब रूट अंडर 113 को ए मानेंगे तो इधर भी है ए, इसको 8 को बी मानेंगे, इधर भी 8 है बी, बीच में माइनस इधर प्लस है, तो आप बताइए कौन सा फॉर्मूला आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर, ए है रूट अंडर 113 तो इसका स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर, बी 8 है तो 8 का स्क्वायर, इधर भी देखिए रूट अंडर 113 को ए और 7 को बी मानेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 113 रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो 113 बचेगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटा, इधर भी रूट और स्क्वायर हटेगा तो 113 माइनस 7 57, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अब आगे क्या होगा, 113 में से 64 घटाएंगे 49 और 113 में 49 घटाइएगा 64, यही इसका, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बिल्कुल आसान था, कैलकुलेशन था सिर्फ। अब दूसरा सवाल इसी में पूछा, कॉट स्क्वायर,
आपको हम यहीं पर इस सवाल को इतना ही दूर में बना देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, आप ये लिख सकते हैं या फिर से करिएगा तो इतना ही आएगा। तो कॉट थीटा बराबर 7/8 देना है तो बराबर 7/8 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का आंसर इतना ही आएगा। चलिए तो आपका ये 7वां सवाल सॉल्व हुआ, चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। 8वां सवाल है, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan²A / 1 + tan²A = cos²A - sin²A है या नहीं। अब ये इसके बराबर है या नहीं ये जांच करना है, तो चलिए जांच करते हैं। सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं, सवाल हमने लिख लिया, ठीक है, सवाल हमने लिख लिया, ध्यान दीजिएगा। 3 cot A है तो cot A हमको पहले निकालना है, तो cot A बराबर 3 गुना में है तो भाग में भेज देंगे, 4/3 हो जाए, cot A 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर cot थीटा का सूत्र क्या होता है, cot थीटा का सूत्र होता है आधार, आधार संकेत में लिख देते हैं आधार को, बी बटे लंब पी, ठीक है। तो बी हमारा 4 हो जाएगा, बी बराबर 4, पी बराबर हो जाएगा 3, पी बराबर 3, पी क्या है, लंब है। देखिए इसमें चित्र नहीं भी बनाएंगे तो भी ठीक है, बी आधार पी लंब है तो कर्ण बराबर निकालेंगे, तो कर्ण स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस बी आधार स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर। यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर बराबर पी, लंब कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर अब प्लस आधार है 4 तो 4 का स्क्वायर करेंगे, तो एच स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चला जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5, एच कितना आ गया हमारा, एच 5 आ गया। अब ये सवाल हम उतार लेते हैं, 1 - tan²A / 1 + tan²A = cos²A - sin²A, ठीक है। ये वन देखिए, वन है तो वन को हम लिख लेंगे, माइनस टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब पी आधार बी, पी बटे बी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बटा वन, प्लस वही टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार पी बटे बी स्क्वायर कर देंगे बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच स्क्वायर, साइन थीटा बराबर पी बटा एच स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए 1 - p, पी जो है हमारा 3 है, 3 बी, बी जो है 4 स्क्वायर कर दिए बटा 1 + 1 + पी बटा बी मतलब 3/4 स्क्वायर बराबर बी बटा एच, बी हमारा है 4 बटा एच अभी 5 आया है तो 5 का स्क्वायर, पी पी 3 बटा एच 5 का स्क्वायर। अब देखिए 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 बटा दिए सभी के बटा में, फिर 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 1 और 16 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 1 और 16 का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 16, 1 से 16 में तो 16 - 9 हो जाएगा, इसके बट्टा में 1 और 16 का लघुत्तम लेंगे तो 16, अब यहाँ पर 1 से 16 में देंगे तो 16 + 9, ये 16 और 16 कर जाएगा बराबर 25, 25 का लेंगे तो 25 16 - 9, देखिए 16 में से 9 7 और 16 9 को जोड़ेंगे 25 बराबर 16 में से 9 7 = 25, दोनों बराबर हुआ तो है तो बराबर है यही आंसर। यहाँ पर ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये 8वां सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर का सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, sin A (cos C) + cos A (sin C) और दूसरा है cos A (cos C) - sin A (sin C). अब इसका मान ज्ञात करना, चलिए करते हैं, सवाल लिख लेते हैं, बिल्कुल आसानी से बनाते हैं इसको। सवाल हमने लिख लिया, टेन ए कोण बी समकोण है तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC
ए बी सी कौन बी समकोण है, टेन ए वन बाई रूट तीन है, टेन ए बराबर वन बाय रूट तीन, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर ए पर कोण बन रहा है, ए पर तो लंब, ये ए पर कोण बन रहा है तो ए बी हो गया आधार और बी सी हो जाएगा लंब, मतलब बी सी बटे आधार हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पर आपका बी सी बराबर एक, ए बी बराबर रूट तीन, ए बी रूट तीन, बी सी एक। ए सी निकाल लेते हैं कर्ण, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी रूट तीन का स्क्वायर प्लस बी सी एक का स्क्वायर। तो ए सी अब बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट कर देते हैं, रूट तीन का स्क्वायर करेंगे तो तीन आएगा प्लस एक बराबर रूट चार और चार का वर्गमूल दो, तो कितना आ गया दो आ गया। ठीक है, अब एक नंबर में साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब साइन ए कौन ए पर बन रहा है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, इनटू कॉस सी आधार बटे कर्ण, आधार बटे का प्लस कॉस ए आधार बटे कर्ण इनटू साइन सी जो सूत्र होता है लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। अभी कुछ नहीं करना है, लंब ए पर कोण बन रहा है तो लंब हो जाएगा बी सी, कर्ण हमेशा ए सी ही होगा। अब आधार पर कौन सी पर, कॉस सी है, कॉस सी मतलब कौन सी पर बन रहा है तो आधार बी सी हो गया, कर्ण ए सी प्लस आधार, अब कॉस ए है ना, कॉस ए है तो मतलब आधार बी सी या कर्ण ए सी इंटू साइन सी, कौन सी पर बन रहा है, कौन सी पर बन रहा है तो हो जाएगा आधार बी सी लंब ए बी बटा ए सी। यहाँ पर देखिए बी सी एक दिया हुआ है तो एक बटा ए सी दो दिया हुआ है, गुना फिर बी सी एक दिया हुआ है और ए सी दो दिया हुआ है प्लस बी सी एक ए सी दो गुना ए बी है, ए बी रूट तीन और ए सी दो। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कॉस ए कौन ए पर बनेगा कौन, तो ए बी हो जाएगा आधार, आधार क्या होगा ए बी, हम यहाँ पर बी सी लिख दिए, इसको ए बी कर देते हैं। ठीक है, ये बाकी ठीक है, कौन सी पर बनेगा साइन सी, तो सी पर कौन बनेगा तो आधार ये होगा और ये लंब होगा ए बी, तो यहाँ पर ये ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी बना तो ए बी रूट तीन है तो यहाँ पर रूट तीन देना होगा। देखिए सवाल में मिस्टेक्स जो होता है, कॉमन चीज़ें होती है, उस पर आपको ध्यान देना है। वन इंटू वन वन हो जाएगा, टू को टू से करेंगे चार प्लस रूट तीन को रूट तीन से करेंगे तो रूट नौ होगा, रूट नौ का वर्गमूल तीन और दो को दो से करेंगे चार। अब देखिए अब आया चार, चार का लघुत्तम ले लेंगे तो चार आएगा और एक और प्लस चार कम चार तो तीन, मतलब चार बटा चार कट गया बराबर बच गया एक, यही हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल इसी में है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, लिख लेते हैं इसको, हमने सवाल लिख लिया चित्र भी बना लिया। कॉस ए मतलब कौन ए पर बन रहा है, ए पर बन रहा है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण इंटू कॉस थीटा बराबर, इसमें भी वही सूत्र आधार बटे कर्ण, माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण इंटू साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अभी सूत्र सिर्फ हमने लिखा, अब देखिए आधार कॉस ए मतलब कौन ए पर बन रहा है तो आधार तो ए भी हो जाएगा, मतलब ए भी और कर्ण हमेशा ए सी ही रहेगा। ठीक है, इनटू अब कॉस सी कौन सी पर बन रहा है तो आधार तो बी सी हो जाएगा, मतलब बी सी बटा कर्ण हमेशा ए सी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन ए साइन सी ये लंब, साइन ए मतलब लंब बटा कर्ण, तो ए पर कौन बन रहा है तो आधार ए बी होगा और लंब बी सी हो जाएगा, बी सी बटा कर्ण हमारा कितना है ए सी है तो ए सी।
इंटू साइन सी। अब कौन सी पर बन रहा है, तो आधार ए बी या लंब, आधार बी सी या लंब हो जाएगा, ए बी, ए बी बटा ए सी, ठीक है। अब देखिए ए बी दिया हुआ है रूट तीन, ए सी दिया हुआ है दो, बी सी दिया हुआ है एक, ए सी दिया हुआ है दो, माइनस बी सी दिया हुआ है एक, ए सी दिया हुआ है दो, ए बी दिया हुआ है रूट तीन और ए सी दिया हुआ है दो। अब कैलकुलेशन है, रूट तीन इंटू रूट और रूट तीन इंटू वन हो जाएगा रूट तीन, दो गुना दो चार, माइनस दो गुना दो चार, एक गुना रूट तीन है रूट तीन, चार चार का लघुत्तम लेंगे चार, तो रूट तीन अब माइनस रूट तीन, दोनों में घट जाएगा जीरो बट्टा चार बराबर जीरो। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दस नंबर का सवाल देखते हैं। दस नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव है तो मतलब ख़त्म ही है, थोड़ा देर और आप लोग वेट कीजिए, बस ख़त्म होने वाला है। चलिए इसको समझने पर हम लोग विशेष फोकस करते हैं, ये जो दिया है हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो दिया गया है ना उसी से शुरू करते हैं, मतलब दिया गया है पी आर, त्रिभुज भी हमने बना लिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ज्ञात कर लेंगे, आपका जो मर्जी, चलिए हम पी आर ज्ञात कर लेंगे, पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्यू आर, ठीक है, कर लीजिए। अब इसको समीकरण एक मान लीजिए या नहीं भी मानिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। पी क्यू, पी क्यू जैसे कि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू क्या है, पी क्यू यहाँ पर ये क्यू आर, ये पी आर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पी क्यू दिया हुआ है ना, तो पी क्यू का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, या आपको नहीं दिमाग में आ रहा क्या करें तो अपने मन से कोई भी, चाहे कर्ण का, लंब का, आधार का, कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। हमको पी क्यू है तो पी क्यू लंब है, पी क्यू का ही लगा देते हैं, मतलब लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए क्या होगा, लंब पी क्यू है मतलब 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर कर्ण है पी आर, तो कर्ण पी आर का स्क्वायर माइनस आधार है क्यू आर, तो क्यू आर का, अच्छा 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर बराबर पी आर, अच्छा पी आर देखिए 25 माइनस क्यू आर है दिया हुआ, पी आर बराबर रख देंगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ये इस आधार वाला था, ये पी आर के जगह पर हम ये समीकरण एक से ले लिए, 25 सेंटीमीटर बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए 25 को माने हैं और बी क्यू आर को माने हैं, टू ए बी, ठीक है। अब देखिए 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस, अब ये इसको लिखना भूल गए, यहाँ पर माइनस क्यू आर का स्क्वायर लिख लेंगे, अच्छा अब देखिए क्यू आर का स्क्वायर माइनस दो गुना 25 50 गुना क्यू आर 50 क्यू आर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर क्यू आर ये प्लस में माइनस में कट गया, ये 625 कुछ नहीं तो आगे प्लस इधर भेज देंगे माइनस में, 25 माइनस 625 बराबर माइनस 50 क्यू आर, ठीक है 625 में 25 घटाएंगे माइनस 600, ये माइनस 50 क्यू आर के गुना में है, तो क्यू आर के गुना में है तो इसको भाग में भेज देंगे माइनस 50, माइनस में से कटा धीरे धीरे कटा, काट दीजिए 5 से 12 बारी, क्यू आर बराबर आ गया 12, क्यू आर बराबर 12 आएगा। समीकरण एक में क्यू आर का मान रख देते हैं, समीकरण एक में क्यू आर का मान रखने पर समीकरण एक क्या है, पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, अब देखिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर आया 12 तो बच जाएगा 13, ये आ गया आपका पी आर, पी आर आया 13, क्यू आर आया 12, ये 5। अब ये तीनों मान आया तो अब साइन कॉस टेन तीनों निकालेंगे, साइन पी बोला देख लेते हैं,
साइन पी। इसका सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। पी बोला तो कोण पी पर बन रहा है, तो आधार पी की वह लंब हो जाएगा क्यू आर, मतलब क्यू आर बटे पी आर। तो लिख देंगे बराबर क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर, क्यू आर देखिए 12 है, पी आर अभी 13 आया तो 13। क्लियर। साइन पी, कॉस पी, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कॉस पी, कौन इस पर बन रहा है, तो आधार पी क्यू और कर्ण पी आर, पी क्यू बटे पी आर हो जाएगा, मतलब पी क्यू बटे पी आर। पी क्यू, पी क्यू देखिए 5, तो 5 बटे पी आर, पी आर अभी आया है 13। ये एक आंसर हुआ, एक आंसर ये, एक बोला है 10p, तो 10p भी ज्ञात कर लेते हैं। 10p, 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब पी है, कौन पी पर बनेगा, आधार पी क्यू हो जाएगा, लंब क्यू आर, मतलब क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू। क्यू आर 12, पी क्यू 5, 12 बटा 5 ये ठीक है। तो ये आपका सवाल नंबर 10 सॉल्व हुआ, देख सकते हैं ध्यान से, ये आपका सवाल सॉल्व हुआ। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए लास्ट सवाल देख लेते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा, 3a का मान सदैव 1 से कम होता है, 10 थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा मान में। 10a 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 डिग्री का 1, 60 का 1, 90 का परिभाषित। देखिए 1 के बराबर है ना, तो हमेशा 1 के कम होता है, नहीं होता है, ये हो जाएगा औसत। 1 नंबर का क्या हो जाएगा, एक नंबर का हो जाएगा औसत। के कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, चेक कर लेते हैं। कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है, हो सकता है, आपको जांच करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कर्ण बराबर 12 आ गया, आधार बराबर 5 आ गया, आपको लंब ज्ञात करना है। लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, पी स्क्वायर बराबर 12 का 144 माइनस 25, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बात सही है, कर्ण हमेशा बड़ा रहता है, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर, कर्ण अगर छोटा दे दे तब गलत हो जाएगा। तीसरा है कॉस ए, कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए जो है पूछ रहा है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, मतलब छोटा रूप है, इसके लिए भी हमें इधर ही आना पड़ेगा बेसिक चीज़ों में, जिससे आप लोग भागते घुरे हैं। देखिए कोसेकेंट, कोसेकेंट जो है किसका रूप है, कॉस ए का रूप है, कॉस ए का रूप नहीं है, ये है कोसाइन, ये तो साइन का रूप हो गया, टेंजेंट कोसेकेंट, ये बात कर, तो यहाँ पर देखिए कॉस कोसाइन का है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होगा, यहाँ पर दिया हुआ है कोसकेंट, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, मतलब आपको ये पूछ रहा है कॉट ए बराबर कॉट गुना ए हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये असत्य है, क्योंकि ये ए और कॉट गुणनफल नहीं होता है, ये क्या है एक प्रकार का इसका कोण होता है, इससे जुड़ा हुआ इसका अपना एक अंग है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बट्टे एच। बताइए लंब 4 होगा कर्ण 3, कर्ण हमेशा छोटा होगा, नहीं होगा, साइन थीटा का जो भी मान होगा उसमें कर्ण हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको हमने इस वीडियो में प्रश्नवाली 8.1 का बेसिक से लेकर 11 तक सारा प्रश्न उत्तर बताया। लाइक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप त्रिकोणमिति सीखना चाहते हैं। अगली वीडियो आएगा मान निकालने का ट्रिक पर, फिर आप 2 इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।